एक समय की बात है, एक हलचल भरे भारतीय शहर में राजेश नाम का एक विनम्र समोसा विक्रेता था। सुप्रभात सर, आज आप कितने समोसे चाहेंगे? राजेश, आपके समोसे बहुत अच्छे हैं। कृपया, मैं 6 लूंगा। राजेश ने अपने स्वादिष्ट स्नैक्स के लिए ख्याति अर्जित की थी और उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। राजेश को देखो, वो अपने फैंसी समोसे से इतना पैसा कमा रहा है। मैं भी ऐसा ही कर सकता हूँ, लेकिन सस्ती कीमतों के साथ। एक लालची समोसा विक्रेता रमेश राजेश की सफलता से ईर्ष्या करने लगा। उन्होंने सड़क के उस पार अपना खुद का स्टॉल खोलने का फैसला किया। समोसे के लिए अधिक भुगतान क्यों करें जब आप उन्हें यही आधी कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं? रमेश के स्टॉल में सफाई और सुंदरता का अभाव था और उसके समोसे अक्सर चिकने और स्वाद से रहित होते थे। हम ये राजेश के समोसे जितना अच्छा नहीं है लेकिन सस्ता है। मुझे लगता है मैं कुछ पैसे बचा लूँ। हम ऐसा लगता है कि रमेश मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा है। खैर, मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपने समोसे को और भी बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। राजेश ने अपने वफादार ग्राहकों को आश्चर्यचकित करने के लिए अपने पहले से ही स्वादिष्ट समोसे को बढ़ाने, नई भराई और स्वादों के साथ प्रयोग करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। यह नया आलू और पनीर भरने का प्रयास करें, महोदया। ये सिर्फ आपके लिए एक विशेष रचना है। राजेश, तुम हमेशा अपनी रचनात्मकता से मुझे आश्चर्यचकित कर देते हो। आपके समोसे बेजोड़ हैं। राजेश ने ये भी सुनिश्चित किया कि उनका स्टॉल साफ सुथरा और आकर्षक रहे, जिससे उनके ग्राहकों को सुखद वातावरण मिले। आपके निरंतर समर्थन के लिए आप सभी को धन्यवाद। मेरी सराहना के प्रतीक के रूप में मैं आज आपके ऑर्डर पर 10% की छूट दे रहा हूँ। राजेश के समर्पण, नवाचार और अपने ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में बात फैल गई, जिससे अधिक लोग उसके स्टॉल पर वापस आ गए। मैंने रमेश के स्टॉल पर जाकर गलती की। राजेश के समोसे की कीमत है 1-1 रुपया। जैसे ही ग्राहकों को सस्ती कीमतों के बजाय गुणवत्ता और स्वाद के महत्व का एहसास हुआ, रमेश की लालच प्रेरित रणनीति का उल्टा असर होने लगा। राजेश को अभी भी सभी ग्राहक कैसे मिल रहे हैं? राजेश की बेहतर पेशकशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ, रमेश का व्यवसाय घट गया और अंततः उसे अपना स्टॉल बंद करना पड़ा। आपकी वफादारी और समर्थन के लिए आप सभी को धन्यवाद। यह मेरे समोसे पर आपका भरोसा है जो मुझे आगे बढ़ाता है। अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करने के लिए राजेश के समर्पण, जुनून और प्रतिबद्धता ने उनकी दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित की। राजेश और रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि एक सफल व्यवसाय बनाने की कुंजी है।